नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय जय हनुमान, जय सिया राम। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास और अचूक उपाय लेकर के आती हूँ। अगर आपके ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई समस्या है, धन को लेके, घर की स्थिति को लेके, तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उस पे वीडियो आप सभी के लिए ला करके दूंगी। और अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए पूजा पाठ से रिलेटेड, तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उस पे आपको वीडियो ला करके दूंगी। पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं रोज़ आप सभी के लिए नई नई वीडियो ला करके दूंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गुरुवार के दिन हम लोग विष्णु देव का पूजा करते हैं। वैसे तो गुरुवार के दिन साईं बाबा का भी पूजा होता है और विष्णु देव का भी पूजा होता है। इस दिन बहुत सारे घरों में बृहस्पतिवार का व्रत भी किया जाता है। माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिलाएं बृहस्पति देव का पूजा करती है या व्रत रखती है, तो उनके जो भी मनचाहा फल है वह उनको शीघ्र ही मिल जाता है। अगर आप साईं बाबा का व्रत रखती हैं, यानी कि साईं बाबा का व्रत 7, 11, 21 व्रत रखा जाता है, अगर आप वह करती हैं, तो इससे भी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो हम लोग विष्णु देव का पूजा नियम के अनुसार स्नान करके, साफ सुथरा कपड़ा पहन के पूजा पाठ करते हैं, विष्णु देव का आरती करते हैं, और इस दिन नियम से हम लोग विष्णु देव को चना और गुड़ का भोग भी लगाते हैं। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि गुरुवार के दिन हम लोग केले के वृक्ष में भी पूजा करते हैं, क्योंकि केले के वृक्ष में विष्णु देव का वास होता है। इसलिए हम लोग इस दिन केले के वृक्ष में विष्णु देव का रूप समझ के उनका पूजा करते हैं। जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, पीला चंदन चढ़ाना और विशेष रूप से हल्दी का गांठ चढ़ाना, उसके बाद केला के पेड़ में गुड़ और चने का भोग लगाना, और वहीं पे उसी स्थान पे बैठ करके, केले के ही वृक्ष के नीचे बैठ करके बृहस्पति देव का कथा करना और आरती करना, यह पूजा का नियम होता है। और इसी तरीका से हम लोग पूजा पाठ में करते ही घर में आ करके सब जगह धूप दीप दिया जलाते हैं, ताकि विष्णु देव का कृपा हमारे घर के चारों ओर पड़े रहे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वैसे तो हम लोग गुरुवार या हर दिन पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई विशेष चीज़ का कामना करके मन में पूजा पाठ करते हैं और वह कामना जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए हम लोग उपाय भी करते हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सिक्का का कितना ज़्यादा महत्व होता है। अगर हम लोग किसी को दान दक्षिणा दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग 1 रुपये का सिक्का लगा करके 11, 21, 51, 101 ऐसे करके देते हैं, क्योंकि 1 रुपये का सिक्का बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आप गुरुवार के दिन व्रत रखती हैं, यानी कि विष्णु देव या साईं बाबा का व्रत रखती हैं, तो आप सभी को इस दिन 1 रुपये का सिक्का मंदिर में जाके जरूर रखना चाहिए। अगर आपके आसपास मंदिर नहीं है, तो आप एक घर में ही छोटा सा बक्सा बना लीजिए और उसमें हर गुरुवार को व्रत करके पूजा पाठ करने के बाद 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिएगा। आप जितना व्रत करती हैं, यानी कि 7, 11, 21, तो आपको हर गुरुवार यह प्रक्रिया करना है। माना जाता है कि अगर यह 1 रुपये का सिक्का आप मंदिर में दान दक्षिणा के रूप में डाल देती हैं या दान पेटी में डाल देती हैं, तो इससे आपके घर में पैसा की बढ़ोतरी होगी। अगर आपके घर में पैसा को लेकर कोई समस्या है, यानी कि घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो यह सब चीज़ की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में हल्दी का गांठ डालते हैं। माना जाता है कि केले के वृक्ष में हल्दी का गांठ डालने से यह बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। अगर आपके घर में किसी तरह की कोई समस्या है, यानी धन को लेके माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है, घर में पैसा तो आता है लेकिन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, तो यह सारी समस्या आपके घर से दूर हो जाएगी। माना जाता है कि अगर आप
लोटा में, यानी कि जिस लोटा से आप घर में पूजा पाठ करती हैं, उस लोटा में जल भर के उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके विष्णु देव को चढ़ाते हैं, यानी कि केले के वृक्ष में चढ़ाते हैं, तो इससे भी आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, लेट से हो रहा है, तो आपको इसलिए विष्णु देव को हल्दी का गांठ चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ विशेष उपाय और विशेष चीज से धन लाने के लिए आपको विष्णु देव को हल्दी चढ़ाने के साथ साथ जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके और सूर्य देव को भी अर्घ देना चाहिए। ऐसा अगर आप 7 बृहस्पतिवार 7 रविवार करती हैं, तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी को गुरुवार के दिन केले का भी दान करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मंदिर है तो आप मंदिर में केले का दान कीजिए, नहीं तो घर के आसपास कोई गरीब व्यक्ति है तो आप उन्हें केले का दान जरूर कीजिए। माना जाता है कि गुरुवार के दिन केले के पेड़ में पूजा किया जाता है। अगर इस केले के पेड़ का फल, यानी कि अगर आपके केले के पेड़ में फल लगा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप घर में केला ला करके किसी गरीब व्यक्ति को दान करती हैं, तो इससे भी आपके घर की सारी समस्या दूर हो जाएंगी। अगर आपके घर में कलेश होता है, किसी ना किसी बात को लेके खटपट होते ही रहता है, तो वह सब भी दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप मंगलवार के दिन केले का दान करती हैं, जैसे कि आप सभी को पता है मंगलवार के दिन हनुमान जी को भोग में केला लगाया जाता है, अगर आप केले का दान मंगलवार को भी करती हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना गया है। केले में आप सभी को लेकर के दान देना है और घर में भी आप सभी को केले का सेवन भी जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, विष्णु देव का पूजा करते समय एक बात का और भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा पाठ करती हैं, अगर आपका केला का वृक्ष आंगन में है या घर के बाहर में है, तो उस स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। माना जाता है कि अगर ऐसा साफ सुथरा आप हमेशा रखती हैं तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं होगा। अगर आपके केले के वृक्ष के पास गंदा रहता है, किसी ना किसी तरह से कोई गंदगी रहता है, तो इससे आपके घर में वास्तु दोष का उत्पन्न भी होता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप सभी को केले के वृक्ष के पास साफ सुथरा रखना है और अच्छे तरीका से पूजा करना है। इस तरीका से नियम का पालन करते हुए पूजा करने से, उपाय करने से आपके घर की सारी समस्या दूर होंगी और साथ ही साथ विष्णु देव की कृपा से आपके घर में सुख और शांति का वास होगा। इसी तरीका से माँ लक्ष्मी का भी आगमन होगा, इसलिए आप सभी यह उपाय को जरूर करें और इस तरीका से पूजा पाठ जरूर करें। उम्मीद करूंगी दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।